सदर पुलिस के द्वारा शहर के तेघरिया में गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। 35 लीटर देशी शराब के साथ कारोबारी को किया गिरफ्तार। सदर थाना पुलिस के द्वारा मंगलवार रात 1 बजे शहर के तेघरिया में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। इस कार्यवाही में 35 लीटर देशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। थाना अध्यक्ष अमर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में ASI संजय यादव ने कार्रवाई की है। सदर थाना अध्यक्ष अमर सिंह ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना पर तेघरिया में छापेमारी कर 35 लीटर देशी शराब जब्त की गई है। मौके से कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। सर, अभी थोड़ी देर पहले रेड हुई है, क्या कुछ इसमें जब्त किया गया है? हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग के द्वारा नशेड़ियों के खिलाफ पूर्व से अभियान छेड़ा जा रहा है और इसी क्रम में स्मैक हो या दारू हो या अन्य नशीला पदार्थ हो जिसका हम लोग गिरफ्त कर रहे हैं, बराबर रेड कर रहे हैं, इसमें गिरफ्तारियाँ भी हो रही है। इसी क्रम में आज हम लोग कॉन्टेक्ट पर वाहन चेकिंग कर रहे थे और अफवाह सूचना मिली कि तेघरिया शिव मंदिर के पास कुछ व्यक्ति देसी चुलाई शराब बेच रहे हैं, जिसकी सूचना पर हम लोग के द्वारा तत्पर लगाया गया और वहाँ जब पहुँचे तो बहुत सारे लोग थे और उस भगदड़ में पुलिस को देखते ही लोग मारने लगे। मौका पर से एक व्यक्ति को पकड़ा गया और तकरीबन 35 लीटर देसी चुलाई शराब। सर, टीम में कौन कौन से शामिल? हाँ, मेरे टीम में संजय यादव, ASI संजय यादव, साफ सुथरा संभल शामिल थे। कितने की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, अभी तो एक की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन दो भागने में कामयाब हो गए। भागने में कई कामयाब हुए, लेकिन उसमें से कुछ देने वाले थे। जो मेन सप्लायर था उसमें से दो व्यक्ति हैं जिसका नाम है राजा और सोनू, जो कि तेघरिया का ही रहने वाला है। और घटनास्थल पर पूछताछ के क्रम में ये जानकारी मिली कि ये लोग पंजीपाड़ा से देसी चुलाई शराब लाते हैं और तेघरिया में शाम के समय में ग्राउंड में जाकर बेचा करते हैं।